हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं देहरादून और ये है टिंकी देवी। तो ये टिंकी और आज हम लोग बना रहे हैं ऊपर छत पे खाना चूल्हे पे। तो ये देखिए भाभी ने छोटा सा चूल्हा बनाया है, ये मैं आपको बैक ये चूल्हा बनाया है भाभी ने अपने हाथों से छोटा सा। और हम लोग आज चूल्हे की रोटी खाएंगे। और क्या खाएंगे भाभी? मेथी का साग, मेथी का साग और चूल्हे पे खाएंगे हम चावल की रोटी बना के। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे बनता है हमारे चूल्हे पे आज खाना। जब तक ऊपर बन रहा है खाना तब तक मैंने बनाई है चाय। ये है चाय थोड़ी थोड़ी सबके लिए, बिस्किट है, नमकीन है और ये यहाँ प्रकट हो चुकी है टिंकी जी। मैं प्रकट हूँ क्यों? अभी ये ऊपर थी, हम नीचे प्रकट हो चुकी हैं। अभी डाल दिया है साग, पानी उबल चुका है और बहुत अच्छा चूल्हा जल रहा है। देखिए अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर आज चावल की रोटी भी बनेंगी। आज हम लोग खाएंगे देसी खाना। तो यहाँ पर टिंकी और उन्नति अपना मैट बिछा बिछा कर बैठ गई हैं और यहाँ पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पर टमाटर और प्याज काट दिए हैं तड़के के लिए और मूली काट रही हूँ मैं सैलेड के लिए। तो यहाँ पर भाभी जो हैं वो अपने काम में लगी हुई हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम आता है चूल्हे का काम, तो भाभी ज़्यादा कर रही थी। तो उन्होंने जो साग के उस पर रखेंगी ना, मिट्टी के बर्तन में थोड़ी थोड़ी सी आग निकाल ली है, इसके ऊपर साग की जो मटकी है वो रखेंगी और फिर इसको घोटेंगी। वैसे तो हम लोग मिक्सी में घोटते हैं जब बनाते हैं, बट आज हम लोग बिल्कुल देसी ही तरह से बना रहे हैं, तो बस उसी पर रख के घोटा जाएगा ये साग। और यहाँ पर देखिए मैं अपनी मूली साफ़ करके काट रही हूँ और यहाँ पर ये साग उबल चुका है बहुत अच्छे तरह से। तो इन्होंने भाभी ने उसकी मटकी उठाकर और नीचे रख दी है उसमें उसके जो आग के बर्तन में। तो बस यहाँ पर भाभी ने घोटना शुरू कर दिया है और बच्चे बैठे हुए हैं खेल रहे हैं। मिक्सी में जो है ना, मिक्सी में तो करते हैं अभी, इसी से घुटेगा। ये देखिए देसी मिक्सी। फुकरी से वो मारते हैं और मारो एक बार, सबका एक्सपीरियंस कहाँ मारा मेरे से नहीं जला। बस बस हो गया हो गया। ये देखो फूंकनी से फूंक मारते हुए और भाभी जी घोटते हुए, अब इसका टेक्सचर चेंज हो गया है। पति ये कमेंट्री कर रहा है, शानदार वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर टिंकी और उन्नति खा रही हैं टमाटर नमक लगा के और अधिराज हैं अपने अंकल की गोदी में, तो बस ये भी जग रहे हैं खेल रहे हैं। तो बस हम लोगों ने फटाफट से सोचा कि काम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तेल गर्म हो चुका है, कढ़ाई मैंने तेल लगा दिया। मैंने जीरा, हींग और जो साबुत मिर्च होती है तड़के वाली वो, तो अभी अच्छे से जब भुन जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर और प्याज डाल दूंगी। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें मैंने प्याज डाल दिया, थोड़ी सी अदरक मैंने कट करके डाल दी है इसमें। और जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद फिर हम टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पर बस टमाटर भी डाल दिया है मैंने और बस अच्छे से इसको पका लेंगे दोनों तीनों चीज़ों को। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने फिर डाल दिया है साग और अच्छे से साग जब पक जाएगा फिर हम लोग सेकेंगे रोटियाँ। तो बस यहाँ पर साग पक रहा है और साग बन गया है, तो साग को हमने साइड से रख दिया है और यहाँ पर रखा है तवा और भाभी ही बनाएंगी अब आटे की, चावल के आटे की रोटियाँ, क्योंकि मुझे नहीं आती हैं बनानी, बस मैं सीख रही हूँ इनसे। तो अभी इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है चावल की रोटियाँ और बहुत ही मस्त बनाई थी। और अधिराज रोने लगा तो बस अभी ये सो जाएगा, तो मैं इसको सुला रही थी और भाभी रोटियां बना रही हैं। जब ये सो जाएगा फिर इसको प्रेम में लिटा देंगे, फिर इन लोगों को हम खाना सर्व करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारा खाना रेडी है, साग है और चावल के आटे की हैं रोटियाँ और है मूली सलाद में। तो बस ये लोग खाना स्टार्ट कर चुके हैं, खाने को एंजॉय कर रहे हैं।
तो चलिए फिर यहाँ पर जो है खाना हमारा बन गया है, सब लोगों ने खा लिया है, हम लोगों ने भी खा लिया है। बस फिर चूल्हे को सफाई वफाई करनी थी, बर्तन वगैरह वॉश करने थे, तो बस मैं यहाँ पर जो चूल्हे की सफाई कर रही थी, इसमें थोड़ी सी आग थी तो वो बुझा रही थी मैं, और बस फिर हम लोगों का काम हो गया ख़त्म। तो चलिए ये था आज का हमारा आज का ब्लॉग, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।